बांका जिला सभागार में उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज, बांका सांसद गिरधारी यादव, बांका विधायक रामनारायण मंडल, बेलहर विधायक मनोज यादव, पूर्व सांसद पुतुल कुमारी, जिलाधिकारी अंशुल कुमार सहित सैकड़ों बुनकरों ने भाग लिया। मंत्री जयंत राज ने कहा कि 400 से अधिक लोगों को रोजगार के लिए ऋण दिए गए हैं, जिसमें 50% अनुदान है। वहीं मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बड़ी संख्या में यहां रेशम के कुकुन का उत्पादन होता है, इसलिए बांका में अलग ड्राइंग भवन का भी निर्माण किया जाएगा तथा 362 बुनकरों को बुनियादी मशीन दी गई, जो मेहनत कर अपने परिवार को चला सकेंगे। चीन और कोरिया से अच्छी किस्म के रेशम उत्पादन होता है। सबसे रोचक बात है कि बुनकरों में काफी उत्साह देखी गई। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आप हमें जमीन दें, हम आप लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। मक्का के किसानों को क्या रेट मिलता था? 800-900 में व्यापार पैसा ले लेता था और बाद में पैसा देता। अब तो जब तक तुम लोग जब बाद में देता और कई लोगों को पैसा मारकर पंजाब वाला भाग जाता। अब हमने कहा उधार नहीं देना। 1700 के करीब मक्का का एमएसपी है, आज 2000 में मक्का मिल रहा है। किसानों को फायदा, आपको इस कारण इस पर उद्योग विभाग की नजर रहेगा। आपको 5 लाख अनुदान है, कहीं मोटरसाइकिल खरीद ली, कहीं आप खरीद लीजिएगा स्कॉर्पियो, चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, ये नहीं होने वाला। इसमें जो काम मिला है उसको पूरी तरह अंजाम दीजिए। ये हर जिले में बांका जिला थोड़ा छोटा है, 350 मिला कि हम उद्योग और रोजगार को बढ़ा सके। यहाँ पर उद्योग का विस्तार होगा, ये मैंने पूरी जिम्मेदारी से कहा। प्रेस के भी लोग हैं तो मैं जानता हूँ आप क्या पूछेंगे, इसलिए मैं जो जो पूछने वाले हैं वो मैंने पहले यहीं से बोल दिया। अब कहिएगा कुछ और पूछेंगे तो सवाल तो आपके होगा।